फाइनली फाइनली 7 मैच हारने के बाद आज आरसीबी को दूसरा जीत मिला है। हाँ, आरसीबी जो 9 मैच खेलकर आईपीएल में, इस आईपीएल में 9 मैच खेलकर सिर्फ 2 जीत मिला है, और ये 2 जीत के साथ साथ मानो पॉइंट टेबल में अब नंबर वन में है और लास्ट से मानो 10 नंबर पर अभी भी बरकरार है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। और आज जो सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेज रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को मानो 35 रन पर हराया है आरसीबी। ये बहुत बढ़िया जीत है आरसीबी के लिए, ये मानना पड़ेंगे। हाँ, आरसीबी का थोड़ा बैड लाक है, बहुत थोड़ा नहीं ज़्यादा बैड लाक है, बहुत बड़ा बैड लाक है इस सीज़न में। मानो हर एक सीज़न में आरसीबी जो अच्छा खेलने कप जीतने के सपनों देखता है, लेकिन वो कप अधूरा रह जाता है। हाँ, ठीक ही कह रहे हो, कप अधूरा रह जाता है। और आज पहले बैटिंग करते हुए हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुना, और पहले बैटिंग करते हुए 206 रन बनाया। पहले लग रहा था कि एक टाइम में ये जो रन, ये रन कम होंगे, लेकिन आज का पिच थोड़ा स्लो था, थोड़ा अलग था, और इसे चलते हुए आरसीबी ने मैच जीता। हाँ, आरसीबी के लिए मानो विराट कोहली स्लो खेला बट शानदार खेला। हाँ, पिच की सिचुएशन अगर देखा जाए तो अच्छा खेला है। उनका स्ट्राइक रेट 118 है, 18 मानो 120 के नीचे है, तो ये जो स्ट्राइक रेट बहुत ही धीमा है, स्लो है। अगर विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप में खिलाए तो मेरा मानना है, अगर ना खिलाए तो अच्छा है, अगर खिलाएंगे तो ठीक है, ओपन या 3 नंबर पर खिलाना चाहिए। लेकिन विराट कोहली जिस आईपीएल में इतना स्लो खेल रहा है, तो वेस्ट इंडीज़ का पिच में क्या करेंगे, एक चिंता का विषय है। लेकिन ठीक है, जो मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, कप्तान, वो तो कुछ हमसे भी ज़्यादा सोचेंगे, तो विराट कोहली को मौका तो देना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि जो ग्रुप में सिर्फ पाकिस्तान के अलावा जो टीम है वो थोड़ा दुर्बल टीम है, तो उनके साथ उनको मौका देकर उनका जो स्ट्राइक रेट, हाँ स्ट्राइक रेट को ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि आप थोड़ा तेज खेलिए, क्योंकि ओपनर या 3 राउंड जो बैट्समैन होता है, देखिए एक ओपनर वो सिर्फ 5 या 6 ओवर से ही वो जो T20 मैच में वो जो इम्पैक्ट डालना चाहिए। जैसे अभिषेक शर्मा मानो 5 या 6 ओवर खेलता है, लेकिन उस 5 या 6 ओवर में ही 50 रन करके चला जाता है। तो ये जो इम्पैक्ट होता है ना, जो 6 ओवर में 100, 90, 120, ये जो पावर प्ले में रन होता है, यही इम्पैक्ट दिखाना चाहिए जो नेशनल टीम में भी। तो मुझे लगता है पर्सनली कि कोहली की जगह पर अभिषेक शर्मा या जसी जायसवाल को ओपन, रोहित शर्मा के साथ ओपन कराना चाहिए। हाँ, 3 डाउन में अगर कोहली खेले तो ठीक है, नहीं तो संजू सैमसन है, और भी बहुत सारा बैट्समैन है, शुभमन गिल को खिलाना, ट्राई करना चाहिए। और शुभमन गिल भी एक ही घराना का बैट्समैन है, वो भी विराट कोहली का जैसा ही है। तो 3 नंबर पर अगर कोहली खेले तो 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव है। हाँ, ठीक ही कह रहा हो, 5 नंबर पर कोई और कोई बैट्समैन खेलेंगे। लेकिन ये जो मानो विराट कोहली के ओपन में खिलाने का जो दावा उठ रहा है, तो मुझे लगता है कि ओपन में तो उनको खिलाना नहीं चाहिए। हाँ, ठीक ही कह रहा हूँ, क्योंकि वो जो पावर प्ले में एक ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए, और ये ताबड़तोड़ शुरुआत जो जसी जायसवाल, अभिषेक शर्मा यही दे सकता है। आरसीबी आज शुरुआत अच्छा किया था। हाँ, शुरुआत विराट कोहली के साथ डुप्लेसी बहुत ही अच्छा किया था, लेकिन फिर डुप्लेसी आउट होने के बाद विल जैक खेल नहीं पाया, फिर रजत पाटीदार आया, और रजत पाटीदार ने आज बहुत अच्छा खेला। उन्होंने 20 गेंद पर 50 रन बनाया, 5 छक्का 2 चौका लगाया। हाँ, बहुत अच्छा खेला है आज रजत पाटीदार, जो लगातार खराब खेला है, लेकिन आज इससे पहले 2 मैच अच्छा खेला, और फिर आज भी अच्छा खेला। कमरन ग्रीन जो 20 गेंद पर 37 रन का एक अच्छा इनिंग्स, इम्पैक्टफुल बारी खेला है। और कोहली ओ आज कार्तिक खेल नहीं पाया, लोमडर खेल नहीं पाया, और अंत में स्वप्निल सिंह एक अच्छा ऑलराउंडर का दर्द निभाया, और 6 गेंद पर 12 रन किया, और बॉलिंग में भी उन्होंने अच्छा किया। हाँ, ये है बेंगलोर की लेखा जोखा। जब हैदराबाद बैटिंग करता आया तो शुरुआत में ही टाविस हेड आउट हो गया 1 रन पर, तो वो जो हैदराबाद थोड़ा वहाँ पर ही वो जो मैच सिलसिला वो हार गया। और एडन मार्करम कप्तान, वो भी खेल नहीं पाया, और नीतीश रेड्डी आया, वो भी खेल नहीं पाया। थोड़ा बहुत अभिषेक शर्मा खेल रहा था, लेकिन वो भी मानो 31 पर आउट हो गया, चला गया। हेनरी क्लासन आज वो जो झड़ क्लासन झड़ वो देखा नहीं पाया, सिर्फ 7 रन ही कर पाया। लेकिन शहबाज अहमद जो अंत तक खड़ा रहा, लेकिन वो मैच जिताने का क्षमता नहीं था उस इनिंग्स में। हाँ, 40 रन बनाया, और अंत में कमिंस एक अच्छा खेला 31 रन का। इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाया सनराइजर्स हैदराबाद। हाँ, ठीक ही कह रहा हूँ, इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद और कुछ नहीं कर पाया, और ये मैच आसानी से मानो बेंगलोर 35 रन से जीता। तो बेंगलोर के लिए तो बहुत बढ़िया जीत है, पॉइंट टेबल में अभी भी 10 नंबर पर है विराट जो आरसीबी के लिए प्ले ऑफ तो लगभग नामुमकिन है। हाँ, लगभग नामुमकिन है, वो बाहर हो चुका है, फिर भी ये जो खेल उम्मीद के होता है, तो देखा जाएगा क्या होता है। फिर मानो जो T20 वर्ल्ड कप बहुत ही नज़दीक है, तो T20 वर्ल्ड कप के लिए मेरा जो मानना है कि ओपन रोहित शर्मा के साथ, या तो अभिषेक शर्मा या तो मानो जसी जायसवाल को खिलाना चाहिए ओपन के तौर पर। हाँ, 3 नंबर पर कोई भी आ सकता है, शुभमन गिल है, विराट कोहली है, ईशान किशन है, और भी बहुत सारा है, संजू सैमसन है,
जो खेल सकता है। 4 नंबर पर मानो सूर्य कुमार यादव तो फिक्स्ड है, 5 नंबर पर कौन खेल सकता है? हो सकता है कि रियान पराग आए और दूसरा कोई बैट्समैन आए, केएल राहुल भी आ सकता है और भी बहुत सारे बैट्समैन है, तो ऋषभ पंत आ सकता है। तो पंत तो फिट है, 5 नंबर पर पंत की जगह बनता है। 6-6 नंबर पर एक ऑलराउंडर खेल सकता है और शिवम दुबे हैं, हार्दिक पांड्या है, तो आप किसको देख सकते देखना चाहते हैं? 7 नंबर पर मेरा मानना है रविंद्र जादेजा है। हाँ, ये 7 तक जो ये यहाँ पर तो 7 नंबर 6 नंबर तो जगह फिक्स्ड है। 6 नंबर पर या हार्दिक या शिवम दुबे, 7 नंबर पर रविंद्र जादेजा है। 8 नंबर पर किसको मौका दिया जा सकता है? कुलदीप यादव, जसविंदर चहल को तो मुझे नहीं लगता खिलाएंगे, और भी जो बहुत अच्छा अच्छा खिलाड़ी है तो ये देखा जाएंगे। लेकिन जसप्रीत बुमराह तो फिक्स्ड है और जो अर्शदीप सिंह को भी मौका दिया जा सकता है, तो ये तो कुछ दिन वेट करना पड़ेंगे, देखा जाएंगे क्या होता है। लेकिन आप लोगों का क्या राय है, क्या प्लेइंग 11 हो सकता है, आप कमेंट करके बताओ। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करो।